अरे यार अरे पता चला यहाँ आकर कि मेरे साथ कुछ वार्तालाप करने वाली हैं आप लोग, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब मैं दे सकूंगी। पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे यहाँ आकर सुनील राणे जी के लिए, जो यहाँ के हमारे उम्मीदवार हैं, उनके लिए मैं इतना ये शब्द कहना चाहूंगी, मैं बहुत सालों से इनके हमें पहचानते हैं। ये पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर करीबन 25 साल से कार्यकर्ता बने हुए हैं और हर पोस्ट में लगे हुए हैं और आज यहाँ पर बोरीवली के उम्मीदवार बने हैं MLA के लिए। और पिछले बार भी मैं हमेशा इनका साथ देती हूँ। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत ही परिश्रमी हैं, बहुत काम करते हैं और मेरी जो भी समस्या होती है मैं इनके पास जाती हूँ तो उसका हल इमीडिएटली निकाल कर दे देता है। और उनका व्यक्तिगत काम है, इतना बड़ा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जहाँ पर 4,000 लोग बच्चे लोग पढ़ रहे हैं और उस इतना बड़ा एक अथर्वा यूनिवर्सिटी लगाया बनाया है इन्होंने यहीं पे। और इसके अलावा बहुत सारे अच्छे अच्छे काम देश के लिए, पूरा महाराष्ट्र के लिए करते आए हैं। तो मैं हमेशा पूछती थी कि आप अभी तक यहाँ पर मिनिस्टर क्यों नहीं बने, बहुत ही कम मिलेंगे। और एकदम सिंसियर होकर, निस्वार्थ होकर देश के लिए, जनता के लिए सेवा करने का जो भाव होता है वो सुनील राणे जी में है, बहुत है। जब मैं मुझे एक अवसर मिला था मथुरा क्षेत्र का सांसद बनने का, मैं थोड़ा घबराई हुई थी। तब उससे पहले से मैं सुनील जी को जानती थी इसलिए वो पहले मेरे पास आए कि आप सचमुच लड़ने वाले हैं क्या? मैंने बोला लड़ने वाले एक बात क्या है, मतलब चुनाव लड़ने वाले हैं? मैंने कहा हाँ मैं तैयार हो गई हूँ, लेकिन मैंने कहा मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको मेरे साथ मथुरा आकर मेरा बहुत सारे जो समस्या होगी पता नहीं क्या क्या होगा उसको हल करना है, तो मेरे साथ रहे। पहले वाला चुनाव जो 2014 में जो मोदी जी की लहर 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 में हम लोग जीत के आ गए थे, उस चुनाव में साथ दिया, बहुत साथ दिया और तब से हमारा नाता बहुत अच्छा जुड़ा है। मथुरा में एक बहुत सुंदर सा एक कार्यक्रम किया था, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी बहुत ही माहिर है, फैशन शो करते हैं, करवाते हैं लड़कियों को, बच्चों को बहुत सारे उत्साह देते हैं फैशन फील्ड में भी, मॉडलिंग करने में भी, बहुत तन मन धन से करते हैं। ऐसे एक व्यक्ति आप लोग नहीं मिलेगा, तो मैं यही चाहूँगी कि आप सब लोग यहाँ बोरीवली के रहने वाले जितने भी समस्त पब्लिक हैं इनको ही वोट देना चाहिए ताकि आप लोगों का भविष्य भी बहुत अच्छा होगा, बोरीवली में बहुत सारे सुधार होगी और बहुत सारा विकास भी होगा। वैसे तो हमारे गोपाल शेट्टी जी हैं, बहुत सारे काम अच्छे अच्छे करते आ रहे हैं गोपाल शेट्टी जी। मैं अभी भी फिल्म का शूटिंग वगैरह करती हूँ। मेरा एक पर्सनैलिटी ये है कि हेमा मालिनी क्या है, हेमा मालिनी एक अभिनेत्री है, एक नृत्यांगना है और अभी आप राजनीति में भी जुड़कर कुछ सेवा, पब्लिक सेवा, देश सेवा करने का एक कोशिश है, तीनों मिलकर मैं हूँ। तो इसमें एक किसी को भी आप मेरे इस पर्सनैलिटी से हटा नहीं सकते हैं, मैं हमेशा एक कलाकार ही रहूँगी। मैं तो कलाकार के रूप में मैं कभी नृत्य करती हूँ या फिल्मों में डांस या कुछ एड फिल्म करना है तो काफ़ी शूटिंग हमारे माडा आइलैंड में होती है, माडा आइलैंड जो क्रॉस करके जाना होता है, दरिया पार करके जाना पड़ता है, उनको जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, फेरी में जाना पड़ता है इधर से उधर जाने के लिए, नहीं तो 2 घंटा घूम कर आना पड़ता है। तो उसका बताया तो इन्होंने इतना अच्छा सा एक फेरी बनाया पर स्पेशल वन, तो आई रियली आई थैंक यू फॉर दैट, वेरी वेरी कम्फर्टेबल, 1 सेकंड में इसमें चले जाते हैं। तो उस नहीं तो पहले हमें मछुआरे ये वो सब किस्म के पब्लिक के साथ बैठ कर जाना पड़ता था, तो अच्छा भी लगता था पब्लिक के साथ जाने में,
लेकिन ये थोड़ा एक्सक्लूसिवली करके दिया है, तो इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे तो ये तो छोटा सा एक काम था, वैसे पूरा मलाड ये सब जगह में गोपाल शेट्टी जी बहुत बढ़िया काम करते हैं, और मेरे साथ ही हैं सांसद में, हम लोग काफ़ी मिलकर बातें करते हैं, जो मोदी जी जो जो कह रहे हैं, इतनी सारी योजनाएँ लेकर आए हैं, उन सबको साकार करने में हम सब लोग साथ रहकर हम आगे बढ़ाते हैं। गोपाल शेट्टी जी यहाँ से करते हैं बोरीवली से, और मुझे मथुरा से बहुत सारा काम करने को मिलता है, क्योंकि बट लेकिन ये है कि आप लोग के लिए ईजी है क्योंकि आप लोग यहीं रहते हैं और आप लोग सांसद भी यहाँ से बने हैं, लेकिन मैं सांसद मथुरा की मैंने खुद ही ये मांगा था, मुझे मथुरा में ही सांसद बनना है, लेकिन उस वक्त ये नहीं सोचा था कि ये 6 घंटे का रास्ता है, हर वक्त मुझे मथुरा जाना होता है, 6 आवर्स ऑफ माई जर्नी यहाँ की रोड, और बहुत सारा काम मैं भी करती रही। अभी मैं आई मथुरा से, अभी फिर 2 दिन के बाद वापस वहाँ जाऊँगी। ऐसे एक सांसद बनकर हम लोगों को बहुत काम करने का अवसर मिलता है, और हम वी ऑल एंजॉय। पहले जो सांसद थे पता नहीं वो क्या करते थे, क्योंकि कोई भी काम मैं देख नहीं सकती हूँ, क्योंकि पिछले 60 साल में जो काम नहीं हुआ है वो अभी पिछले 5 साल से बहुत सारा काम इतना स्पीड से हो रहा है, ये हमारी सरकार की वजह से, हमारे मोदी जी की वजह से ये सारा काम हो रहा है। और उन्होंने बहुत सारा एक पाठशाला भी बोला मतलब 2 दिन का वर्कशॉप ही रखा था मोदी जी ने, सारे सांसद को बुलाकर उनको ट्रेनिंग दिया गया 2 दिन के लिए कि हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, हाउ टू डील विद द पब्लिक, हाउ टू टॉक टू द पीपल हु नीड सम काइंड ऑफ अ हेल्प, एंड हाउ टू गिव योर स्पीच, ऐसा बहुत सारे काम उन्होंने बताया विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऐसा मेरे ख्याल में पिछले सरकार में किसी ने कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं होगा, हम सबको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, एंड वी आर रियली एंजॉइंग इट। ये तो मेरी मैं अभी बताया उन्होंने कैसा मैं इस भारतीय जनता पार्टी में आई, पहले बहुत ही सोच रही थी, झिझक रही थी कि मैं क्या करूँगी, मैं बहुत ही पॉलिटिक्स में क्यों जाऊँगा, लेकिन इट वॉज द इंस्पिरेशन ऑफ माई मदर, मेरी मम्मी जया चक्रवर्ती जी, उन्होंने बोला कि अटल जी जैसे इतने बड़े व्यक्ति यहाँ इस पार्टी में हैं तो उनको जाने में क्या तकलीफ क्या है, ऐसा ठीक है फिर भाषण क्या देना, तो आप भाषण पहले लिखे, क्योंकि भाषण से मैं बहुत घबरा जाती हूँ, अभी मैं भाषण नहीं कर रही, आगे ऐसे कॉन्वर्सेशन विद यू, तो मेरे मम्मी ने लिख के दिया था क्या बोलना चाहिए, तो उसको मैंने रिपीट किया, तो इट वॉज वेरी वेल रिसीव्ड, और उस समय से अब तक मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी, मेरे ख्याल में 20 साल हो चुका है और अभी तक हूँ, और आगे कितने साल रहूँगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं चाहती हूँ हमारे सुनील रावने जी जैसे ऐसे एक व्यक्ति को हमारे पार्टी में आना चाहिए, पार्टी में तो है ही, काम ही कर रहे हैं, इस बोरीवली के लिए आएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि आप इनको वोट देकर बहुत ज़्यादा वोट देकर जिताएंगे। बाकी बिहारी है, राधा रमन जी है, बहुत सारे मंदिर हैं, हाँ अभी देखिए यहाँ पे मथुरा से आए हुए हमारे गुरु जी भी बैठे सुनील राणे जी, और इनके काम इससे इतना प्रभावित होकर ऐसे बहुत सारे संत हैं हमारे मथुरा में, और ऐसे एक आध्यात्मिक क्षेत्र है वो मथुरा, और वहाँ बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ के लोग भी बड़े सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कृष्ण का नगरी है और वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन आप लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि वो कंस की नगरी भी है, थोड़ा थोड़ा कंस भी मिलेंगे आपको, क्योंकि थोड़ा ईविल भी होना चाहिए तभी डिविनिटी का और भी महत्व मालूम पड़ेगा, तो आप लोगों का मैं वेलकम करती हूँ, प्लीज़ जरूर आइए, भारत।